इंद्रप्रस्त इंडिया इंटरनेशनल के जनरल सेक्रेटरी श्री अंजनी कुमार राजू को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करती हूँ मान्यवर राष्ट्रपति जी हर्ष है कि हम इंद्रप्रस्त इंडिया इंटरनेशनल जो विगत दो दशकों से राष्ट्रीय भाषा के विकास संस्कृति एवं साहित्य संवर्धन में अपना उल्लेखनीय पहचान दर्ज करता रहा है संस्था के संस्थापक संरक्षक भूतपूर्व मूर्धन्य लेखक डॉक्टर राजेंद्र अवस्थी द्वारा संपोषित एवं निर्देशित होता रहा है उसी बिंदु के आलोक में एक स्थायी मंच राजभाषा के सेवा हेतु संस्था ने राजकोष का गठन करने का निर्णय लिया है हम प्रजातंत्र की सेवा राज्य भाषा के विकास नैतिकता के विकास द्वारा करना जानते हैं चूंकि प्रजातंत्र की सफलता की शर्तें शिक्षा आर्थिक संपन्नता एवं नैतिकता के द्वारा ही संभव है नैतिकता के लिए प्रतिबद्ध हमारी संस्था शिक्षा व आर्थिक कार्यक्रमों के विकास में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना आरंभ किया है जिसे बापू बटेगोर के सपनों को साकार किया जा सके संस्था महामानव हिंदी सम्राट राष्ट्रकवि डॉक्टर रामाधारी दिनकर श्रीयुक्त राहुल सांस्कृतायन गौतम बुद्ध महावीर महर्षि दांडायन इत्यादि द्वारा मार्गदर्शित पथों की अनुगामिनी है जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा में मार्गदर्शन का कार्य कर रही है अरवाचीन काल में ऐसा अनिवार्य प्रतीत होता है कि यहाँ आम आदमी को रोजी रोटी व राष्ट्रीयता में वृद्धि के लिए कार्य करना है वहाँ उक्त कार्य के अलावे अन्य कार्यों में लिप्त नज़र आते हैं जो उन्हें अशिक्षित या अल्पशिक्षित आर्थिक विपन्न या अल्प संपन्न व अनैतिक या अल्प नीतिवान नजर आते हैं जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है इसकी पूर्ति समय समय पर महाकवियों महानायिकाओं के पथों का अनुसरण व्याख्या शोध प्रचार से होता रहा है अतः संस्था ने एक स्मारिका की आधा लाख प्रतियों के द्वारा परिचय पहचान स्थापित करना चाहती है वैसे राज्यों का चयन किया गया है जहाँ राजभाषा समझी जाती है किंतु बोली नहीं जाती जहाँ हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है वहीं अन्य देशीय भाषा भी हमारे देश के उत्थान के लिए अपरिहार्य हैं चूँकि स्वतंत्रता के अभिव्यक्ति से हो तो प्रोत है अंततः हमारी संस्था प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा देश की आर्थिक विकास व शिक्षा की अवधारणा नैतिकता की कसौटी पर परोसने की इच्छा शक्ति रखती है एक भाषा वह एक शिक्षा की ही पद्धति राष्ट्र समृद्धि का अनिवार्य शर्त है उसी संदर्भ में प्रत्येक पाँच वर्ष में बारम्बार वर्तमान राष्ट्रपति द्वारा साहित्य व अन्य उल्लेखनीय कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित करती आई है जिन्हें पहचान नहीं मिली है किंतु उनकी सेवा उल्लेखनीय रही है नैतिकता ही हमारी पहचान है जो औरों से हमें अलग पंक्ति में रखती है अतएव हम लोग भाव पक्षी हैं मूल्यों की दिशा में कई संस्था कार्यरत हैं वहीं नैतिक पथ पर अग्रसर करने वाली संस्था कम नज़र आती हैं सनद रहे कि हम प्रारंभ से नैतिकता की कड़ी से जुड़ने के कारण ही तीन महान प्रथम अशोक द्वितीय अकबर तथा तृतीय सिकंदर भी भारतीय ऋषि दाण्डायन द्वारा महामंत्र सीखने के बाद ही की उपाधि से अलंकृत हुए यानी सभी महान पुरुषों की पाठशाला भारतवर्ष ही रहा है अतः भारतवर्ष को गुरु के रूप में तत्कालीन काल से अध्योपांत तक जाना जाता है इसका श्रेय मात्र श्रेष्ठ नैतिकता ही है आज सार्वम अनिवार्यता भी हो गई है जो देसी नहीं बल्कि विश्व को भी अग्रसर करता रहेगा और अंत में दिनकर जी की इन पंक्तियों के साथ अपनी बानी को विराम देना चाहूँगा विजय तन की घड़ी भर की दमक है इसी संसार तक उसकी चमक है भुवन की जीत मिटती है भुवन में क्या खोजना इसे गिरकर पतन में जय हिंद अब मैं राष्ट्रपति जी से दिनकर साहित्य सम्मान पुरस्कार वितरण करने का अनुरोध करती हूँ श्री डॉक्टर कुंवर पाल सिंह आप गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता हैं श्री सिंह पश्चिमी देशों की भौतिकता से बगैर प्रभावित हुए अपने स्वदेश में साहित्य व शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न साहित्य सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री गंगा प्रसाद बिमल आप हिंदी साहित्य के प्रख्यात विद्वान लेखक एवं अनुवादक हैं जे हिंदी के पूर्व प्राध्यापक हैं भारतीय भाषा के अध्यक्ष रहे हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्रीमती श्यामा देवी स्नेही आपके पति स्वर्गीय रामलाल स्नेही जी की पुस्तक गागर में सागर के कारण आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री डॉक्टर विभूति नारायण राय आप महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति व चर्चित लेखक हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री डॉक्टर रंजीत साहा आप प्रसिद्ध बंगला साहित्य के अनुवादक सम्प्रति समकालीन भारतीय साहित्य के संपादक हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री अनिल सुलभ आप वर्तमान में हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार के अध्यक्ष हैं आपकी पुस्तक यात्रा वृत्तांत के लिए आप साहित्य जगत में पहचान रखते हैं आपको दिन कर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री डॉक्टर संत कुमार चौधरी आप साहित्य एवं शिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं महिलाओं के शैक्षणिक उत्थान के क्षेत्र में अहम योगदान दे रहे हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री जितेंद्र पांडे सैलानी आप हिंदी पट्टी के जाने माने नाम हैं आपने दर्जनों हिंदी पत्र पत्रिकाओं का सफल संपादन किया है आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री ईशिदा हिडेकी आप भारतीय सरजमी से दूर अपने देश जापान में हिंदी के प्राध्यापक हैं एवं हिंदी साहित्य जगत के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है श्री राव आप मराठी साहित्य एवं सामाजिक संरचना में अहम पहचान रखते हुए सुदूरवर्ती भारत में क्रियाशील हैं। आपको दिनकर साहित्य रत्न सम्मान से अलंकृत किया जाता है